सरोकार। दिल्ली को बताया गैस चैंबर, केजरीवाल बोले कि केंद्र सरकार बस केस करवाती है, सहयोग तो करती नहीं। गुजरात चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, ईसी ने दोपहर 12 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर कोरिया ने लगातार दूसरे दिन दागी मिसाइलें, जापान में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगह होने की दी सलाह। शाहजहांपुर में मस्जिद में घुसकर अराजक तत्वों ने धार्मिक ग्रंथ जलाया, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी। अफगानिस्तान श्रीलंका मैच में चोटिल हुए राशिद, बाउंड्री बचाने की कोशिश में घुटना जख्मी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना तय नहीं। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी ने वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा की है। इस सीट पर उपचुनाव से 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर मेन मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। 391,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे और यह सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। बता दें 391,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। 7 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा। सभी जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का प्रयोग और अवश्य करें, लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें और उन लोग को सख्त चेतावनी है जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं, इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 ASP लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को CAPF से कवर किया गया है। लगभग 60% बूथों पे वेबकास्टिंग की जा रही है और यथा आवश्यक माइक। आज आपने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? एक तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के जो रोडें हैं समय थोड़ा और उनको सुधारना चाहिए और भी जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हो सकें। सो बस इन्हीं उम्मीदों पर आपने मतदान? हाँ, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा, यहाँ का थोड़ी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए यहाँ पे बस। किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं बेटा? गोला का विकास हुआ है अरविंद गिरी के बाद को देखकर हमने यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो ऐसा ही काम अपने पापा के जैसा करेंगे तो आगे भी ऐसा उसे करेंगे। वोटिंग करके आई वो? किस मुद्दे पर वोट किया आपने? काम अच्छा हुआ है और अच्छी व्यवस्था है, अच्छी उसकी जी। क्या एज होगी आपकी? पहली बार वोट किया है? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता धीरज का। धीरज, बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, न्याय लड़ते हैं और
हेलो हेलो धीरज आपको आवाज आ रही है? धीरज गोला गोकरनाथ सीट के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, गोला विधानसभा में 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। सरकारी कड़ी सुरक्षा की निगरानी के बीच में जो है हर बूथ पे मतदान शुरू हो गया है। अभी तक करीब 17% जो है मतदान हो चुका है। धीरज अभी मतदान केंद्र पर हैं आप, कितनी संख्या में अभी मतदाता आ रहे हैं, कौन सा मुद्दा लेकर मतदाता वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, गोला विधानसभा में जो मुद्दा है वो वोटों का जो है कारीगर और विकास का मुद्दा है। जो विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायतें हैं उसमें रास्तों का भी मुद्दा है। और जो गोला ये जो सबसे बड़ी जो मुद्दा है गोला के विधानसभा क्षेत्र वोटों का, वो एक गोला चीनी मिल लगा हुआ है बजाज का, जो जहाँ पे अभी तक गन्ने का पुराना पेमेंट नहीं किया है, जिसको लेकर भी जो मतदाता है वो वार्ता कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। और अगर हम बात करें तो गोला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की, तो जो युवा है बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। जिस समय हम मौजूद हैं यहाँ पोलिंग बूथ, आप देख सकते हैं किस संख्या में लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। बराबर जो है लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और फिर मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के समय ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत ही बड़े मुकाम तक जाएगा। उन्हें शिक्षकों से यह उम्मीद रहती है कि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन हरदोई के एक स्कूल में बच्चों से कुछ और ही कराया जा रहा है। 52 ब्लॉक के प्राइमरी विद्यालय सोनेपुर से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नन्हे मुन्हे बच्चे स्कूल प्रांगण में फावड़ा और खुरपी लेकर पढ़ने की बजाय स्कूल की घास साफ करते दिख रहे हैं। जहां आप वीडियो में देख सकते हैं कि विद्यालय के हेडमास्टर ने नन्हे मुन्हे बच्चों को किताबों की जगह फावड़े और खुरपी को हाथ में थमा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय के हेडमास्टर नन्हे मुन्हे बच्चों को किताबों की जगह हाथ में फावड़े और खुरपी पकड़ाए हुए हैं और स्कूल प्रांगण की घास छिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मामला हरदोई के प्राथमिक विद्यालय का है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा की जगह फावड़े और हाथ में खुरपी पकड़ाई गई है। मामला है एक तरफ जहां योगी और मोदी कहते हैं डिजिटल इंडिया का जमाना है, बच्चों को खूब पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन यहां के हेडमास्टर हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो लगातार वहां पे झाड़ू लगा रहे हैं, उनसे लगातार अपनी सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है जब मोदी योगी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के जमाने में जब हेडमास्टर इस तरीके से बच्चों के साथ काम करा रहे हैं, बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, ये देखने वाली बात होगी। जब इस बाबत हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कॉल लगाई, इसके बाबत जानना चाहा, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जी, अभी तक हेडमास्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई? हर्षराज, एक बहुत बड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
मयूरी आपको बताते चलें, ये सोशल मीडिया पे किसी ने बनाया और वायरल कर दिया है, जिसे हम लोगों को मिला और खबर इसकी चला रही है। अगर इससे बाबत देखा जाए तो बीएसए से जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए, जबकि ये बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उनको पढ़ाई की शिक्षा देनी चाहिए, उसके एवज में ये स्कूल में साफ सफाई करा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं। जी हर्षराज, इस पूरे मामले पर विद्यालय का क्या कुछ कहना है? विद्यालय जब हेडमास्टर को फोन किया गया तो फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर उन्होंने फोन भी रिसीव किया तो उनका कहना है तो इसमें क्या हुआ, बच्चों से काम हम ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये गलत है कहीं ना कहीं। जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। संबल में असमोली के एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर असमोली के सम्राट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो कि वहां डॉक्टर ने महिला की हालत देखकर ब्लड की कमी बताकर महिला को ब्लड चढ़ा दिया और महिला का ऑपरेशन करा दिया, जिसकी वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। यहाँ पे अभी मैं आया तो क्या नाम है, इस लड़की को डंडे से पकड़ता नहीं, किसी कील वगैरह से ऐसे मारा है, इसके कान वगैरह में कटा हुआ भी है और क्या नाम है, इसके गर्दन में भी निशान है भाई, और क्या नाम है, आधा घंटा पहले ये डेथ हो गई मालूम चला, तभी हम भाग के आए तो हमने देखा ये बंदा मर चुका है फिलहाल। ये लोकल किसी ने मारा हो फिलहाल, रंजिश वगैरह हो कुछ भी हो फिलहाल, इसे मार दिया अभी कुछ ज़्यादा। अच्छा कैसे हालत में पड़ा हुआ? ये एक साइड से पड़ा हुआ है और इसके कील वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कील घुसी हुई है और इसे फिलहाल किसी ने मार दिया। ये हमें आधे घंटे पहले सूचना मिली थी, हम तो इसको गए थे। कौन है कहाँ पर? ये यहाँ पे कटुगड़ी के बिल्कुल नीचे है। क्या लग रहा था? हम तो इसको सर, हम सर ये मतलब ये नहीं पता क्या क्या मारा है, क्या पता, ये नहीं पता मुझे। देखने पर कैसा लग रहा है, किसे मारा है या कैसा लग रहा है? अरे हाँ ये कंधे खड़े हो गए यहाँ पे, ये नहीं पता हमको मारा है या नहीं मारा, हमें मर किसी ने बताया आधे घंटे पहले ये डेथ हो चुका है। कौन सी जगह है? बता दें प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर असमोली के सम्राट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो कि वहां के डॉक्टर ने महिला की हालत देखकर ब्लड की कमी बताकर महिला को ब्लड चढ़ा दिया और महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद भड़के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर असमोली के सम्राट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो कि वहां डॉक्टर ने महिला की हालत देखकर ब्लड की कमी बताकर महिला को ब्लड चढ़ा दिया और महिला का ऑपरेशन करा दिया, जिसकी वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हंगामा करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। सम्राट हॉस्पिटल का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें डिलीवरी के दौरान महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ब्लड चढ़ा दिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दूं, जनपद संभल के अकोली थाना क्षेत्र में अकोली ग्राम पंचायत का पूरा मामला है और एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है और उसमें परिजनों ने जो आरोप लगाया है, जो फोन चलाया है परिजनों पर, उस पर महिला पर, तो उसकी ऑपरेशन के दौरान उसकी महिला की मौत हो गई है। उसमें तो जिले भर में कई हॉस्पिटल ऐसे जो फर्जी चल रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और टीमों की मिली भगत पे सब चल रहा है जिले भर में। मुबारक, इस पूरे मामले में क्या चीज निकल कर सामने आई है? क्या सही में लापरवाही की गई डॉक्टरों द्वारा? क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? डॉक्टरों द्वारा लापरवाही का जो आरोप, परिजनों ने जो आरोप लगाया है और जो परिजनों ने जो वहां से हंगामा काटा है अस्पताल हॉस्पिटल पर, हंगामा काटने वाले मौके पर पुलिस मौके पर पहुंची है, मगर पंजा बिगाड़कर उसको पुलिस को शांत कराया है। इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? अस्पताल प्रशासन का जो ये कहना है, कोई भी लापरवाही यहाँ पे न हुई है। जो परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, जो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, और इससे पहले भी एक तनुसी में महिला की एक मौत हुई थी और उससे पहले भी जब स्वास्थ्य विभाग जब जागता है, जब उसमें कोई महिला की मौत हो जाती है, वह इससे पहले कोई नहीं जाता। जिले भर में जोड़े साफ डॉक्टरों का अंबार लगा पड़ा है और उनकी स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत जो कुछ नहीं, सरकार लागू दाखिल कर रही है इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लगाम कसने की, और फिर बाधित स्वास्थ्य विभाग की फिर लहरा रहे हैं। धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। सुल्तानपुर में सीआरपीएफ के एक जवान ने ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। गनीमत ये रही कि ओवरब्रिज पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने तत्काल जवान को जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। उसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के मीरन थाना अंतर्गत तुर्की क्षेत्र का रहने वाला जवान सुरेश कुमार त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग कर रहा है। बुधवार शाम को वो शहर आया था, जहां वो सीधे गभड़िया फ्लाईओवर पर पहुंचा। जब तक उधर से गुजर रहे लोग कुछ समझ पाते, उसने ओवरब्रिज से छलांग लगा दिया। संबल में चंदौसी रोड पर संचालित तो ओयो होटल में 7 जोड़े पुलिस ने पकड़े हैं। यह कार्रवाई एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में की गई है। शहर और आसपास के इलाके के यह जोड़े बताए जा रहे हैं अनैतिक कार्य किए जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सभी जोड़ों को कोतवाली ले जाया गया है, जहां उनके परिजनों को सूचना दी गई है। होटल को सील करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। बता दें कि बुधवार की दोपहर 2 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने स्थित ओयो होटल में अनैतिक कार्य किया जा रहा है। कई जोड़े होटल में मौजूद रहे। संभल पुलिस को एक ओयो होटल में अवैध कृत्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ओयो होटल पर छापेमारी की गई। तो इस छापेमारी के दौरान 7 पुरुष एवं 7 स्त्री आपत्तिजनक अवस्था में मिले। इस संदर्भ में सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही जांच करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रयागराज में पुलिस की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसओजी और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए। इसी के साथ बदमाशों के पास से लूट के 36,000 रुपए और दो तमंचे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना मांडा क्षेत्र के बरहाकला गाँव में एक व्यक्ति राजीव विश्वास, जो कि मोबाइल POS ATM मशीन चलाते हैं तथा इसी उद्देश्य इन्होंने एक दुकान खोल रखी है, जिससे कि गांव में पैसे का आहरण वितरण हो सके इनके शाखा के द्वारा। इनके साथ कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना की थी। राजीव विश्वास जी के लिखित सूचना पर तथा इस घटना का जो CCTV फुटेज मिला था उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इन अज्ञात व्यक्तियों की तलाश थाना मांडा पुलिस एवं जो क्राइम ब्रांच की टीम है इनके द्वारा की जाए। मेरठ जोन के IG प्रवीण कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान IG प्रवीण कुमार ने कहा कि मेरठ जोन में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही पूर्णिमा मेले में पुलिस प्रशासन व स्थानीय गोताखोरों के साथ NDRF व SDRF की टीमें भी रहेंगी। तैनात IG ने आपदा प्रबंधन की तैयारी करने के लिए SSP को निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के कल्लूगढ़ी मोड़ के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव के मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। यहाँ पे अभी मैं आया तो क्या नाम है, इस लड़के को डंडे से पकड़ता नहीं, किसी कील वगैरह से ऐसे मारा है। इसके कान वगैरह में कटा हुआ भी है और क्या नाम है, इसके गर्दन में भी निशान है भाई। और क्या नाम है, आधा घंटा पहले ये देते होगा मालूम चला, तभी हम भाग के आए तो हमने देखा ये बंदा मर चुका है फिलहाल। ये लोकल किसी ने मारा हो फिलहाल, रंजिश वगैरह हो कुछ भी हो फिलहाल इसे मार दिया अभी कुछ ज़्यादा। अच्छा, कैसे हालत में पड़ा हुआ? ये एक साइड से पड़ा हुआ है और इसके कील वगैरह लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे भी कील घुसी हुई है और इसे फिलहाल किसी ने मार दिया। ये कौन? हमें आधे घंटे पहले सूचना मिली थी, हम तो इसको गए थे। कौन है, कहाँ पर? ये यहाँ पर कटुगढ़ी के उसके नीचे क्या लग रहा था, हम तो इसको सर हम सर मतलब ये नहीं पता क्या क्या मारा है, क्या पता, ये नहीं पता मुझे। देखने पर कैसा लग रहा है, किसे मारा है या कैसा लग रहा है? अरे हाँ, ये कंधे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये नहीं पता हमको उसके मारा या नहीं मारा हमें, मर किसी ने बताया आधे घंटे पहले ये डेथ हो चुका है। कौन सी जगह है ये? कल्लूगढ़ी की डासना है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच